पांचवा पॉइंट, उनकी इत्तिबा करना। इत्तिबा का मतलब है पैरवी करना। पैरवी का मतलब क्या है मालूम है आपको? नहीं। पैरवी का मतलब है पीछे पीछे चलना, उनके रास्ते के, उनके तरीके के पीछे पीछे चलना। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप सब बच्चे आज हमारे स्टूडियो तक आए हैं, हाँ। अब मान लो कि अगर आपको रास्ता ही नहीं मालूम है, मान लो, और कोई एड्रेस हमने नहीं दिया आपको, कहाँ से आना है, कैसे आना है, कोई रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन हम कहते हैं एक और गाड़ी है, वो गाड़ी आ रही है स्टूडियो, आप लोग उसके पीछे पीछे आओ, हाँ, आप लोग उसके पीछे पीछे आओ, तो वो गाड़ी राइट जाएगी तो राइट जाएंगे आप, वो लेफ्ट जाएगी तो लेफ्ट जाएंगे, सीधा जाएगी तो सीधा जाएंगे, जहां वो रुक जाएगी वहां भी रुक जाएंगे। आपको कहां रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए आगे रहना चाहिए? पीछे पीछे, हाँ, पीछे पीछे, पीछे पीछे ही चलेंगे। अगर आप कहें नहीं हम लोग क्यों पीछे चलें, अब रास्ता तो मालूम नहीं है, अगर आप ओवरटेक करके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भटक जाएंगे, आपको रास्ता तो मालूम नहीं है, इसलिए आप पीछे चलेंगे। अब बच्चों, हम लोगों को रास्ता नहीं मालूम है, अल्लाह ने रास्ता बताया प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमें कहा उनके पीछे पीछे चलना। तो यह है मतलब पैरवी। पैरवी का मतलब क्या है? इत्तिबा। अरबिक में क्या बोलते हैं? रिपीट द वर्ड, इत्तिबा। रिपीट, इत्तिबा। इससे पहले क्या था? इताअत। इताअत, हाँ, इताअत, इताअत, फरमाबरदारी। इत्तिबा पैरवी, रिपीट, इताअत, इताअत, फरमाबरदारी, इत्तिबा पैरवी, इताअत, इत्तिबा पैरवी। तो हमें पैरवी करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31, कुल कह दो उनसे, इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, करते हो, करते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिउनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, वो यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को कब माफ करेगा, अल्लाह तुमसे कब मोहब्बत करेगा, आप किसके रास्ते पर चलोगे, तो होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी इत्तिबा करना है, पैरवी करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बच्चों, नमाज कैसे पढ़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम भी वैसे नमाज पढ़ेंगे, हाँ। रोजा कैसे रखे, हम भी वैसे रोजा रखेंगे, हज कैसे की, हम भी वैसे करेंगे, ज़कात कैसे दिए, हम भी वैसे करेंगे, खाना खाने के ताल्लुक से क्या तरीका सिखाया, हम भी वैसे करेंगे। तो हम देखते हैं इत्तिबा मतलब पैरवी, इताअत मतलब फरमाबरदारी। अच्छा, इताअत चाहिए या इत्तिबा चाहिए? इत्तिबा, इताअत चाहिए करना है या इत्तिबा करना है? इत्तिबा। सोच के बताओ, इत्तिबा, इताअत करेंगे या इत्तिबा करेंगे? इत्तिबा, इताअत याने, इताअत याने फरमाबरदारी करना, नहीं करेंगे, 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 इत्तिबा याने पैरवी, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो दोनों में से कौन सी चीज चाहिए, सही जवाब क्या है? इताअत। डर के क्यों बोल रहे हैं? सही जवाब है, बिल्कुल, आपको इस बात के लिए एक छोटी सी पेंसिल मिलने वाली, दोनों करेंगे, सही जवाब क्या है? दोनों करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, इताअत करेंगे, इत्तिबा करेंगे, दोनों करेंगे, इताअत भी करेंगे और इत्तिबा भी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।